होली क्यों मनाई जाती है? हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में जल नहीं सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश किया कि होलिका प्रह्लाद को गोद में लेकर आग में बैठे। आग में बैठने पर होलिका तो जल गई पर प्रह्लाद बच गया। ईश्वर के परम भक्त प्रह्लाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। भारतीय पुराणों के अनुसार दानवराज हिरण्यकश्यप ने जब देखा कि उसका पुत्र प्रह्लाद सिवाय श्री विष्णु भगवान के किसी अन्य को नहीं मानता तो वह बहुत ही क्रुद्ध हो उठा और अंततः उसने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रह्लाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए जिससे होलिका बच जाएगी और प्रह्लाद जलकर भस्म हो जाएगा, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी, आग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन उल्टा हो गया, होलिका जल गई और भक्त प्रह्लाद बच गए। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, यही विधि का विधान है। हिरण्यकश्यप के मरने से पहले ही होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रह्लाद बच गए। उसी दिन से होली के जलाने और भक्त प्रह्लाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। होली भारतवर्ष का अत्यंत ही प्राचीन पर्व है जो होली, होलिका या होला का नाम से मनाया जाता है। होलिका हिरण्याक्ष एवं हिरण्यकश्यप नामक दैत्यों की बहन और कश्यप ऋषि और दिति की कन्या थी, जिसका जन्म जनपद कासगंज के सौरों शुकर क्षेत्र नामक स्थान पर हुआ था। माना जाता है कि भारतवर्ष के इस प्राचीन त्योहार की शुरुआत होलिका और प्रह्लाद की कथा से हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री भगवान विष्णु के परम भक्त श्री प्रह्लाद को श्री भगवान विष्णु ने उसके दैत्य पिता हिरण्यकश्यप के बुरे इरादों से बचाया था। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। भारतीय परंपरा के अनुसार होली की राख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। होली की इस राख को घर में रखने से राहु केतु की बुरी नजर दूर ही रहती है, साथ ही घर में बीमारियों के प्रकोप से बचाती है। ऐसा भी माना जाता है कि होली की राख को तांत्रिक टोने टोटके करने और ज्योतिषीय उपाय करने के लिए भी उपयोगी माना जाता है। होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है।